दोस्तों, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपने मछली का सेवन जरूर किया होगा। मछली को सेहत के लिहाज से बेहद फायदेमंद माना जाता है। मछली में पाए जाने वाले पोषण के गुण दिमाग को तेज करने में मददगार माने जाते हैं। आपको बता दें कि मछली में प्रोटीन, विटामिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई तरह के लाभ पहुंचाने में मदद करते हैं। दोस्तों, वैसे तो मछली को हर जगह खाया और पसंद किया जाता है, लेकिन बंगाल में जिस तरह से लोग इसे खाना पसंद करते हैं, शायद ही कहीं और करते होंगे। दोस्तों, बंगाल में आपको मछली की कई सारी रेसिपीज देखने और खाने को मिल जाएंगी, और कहीं मिले है ना मिले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मछली खाने के कुछ नुकसान भी हैं, जिसे जानने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं मछली खाने के फायदे और नुकसान के बारे में। मछली में मौजूद फैटी एसिड याददाश्त को बढ़ाता है, और इसमें पाया जाने वाला प्रोटीन नए कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होते हैं। मेमोरी को बढ़ाने के लिए आप मछली का सेवन कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज मछली का सेवन कर सकते हैं। मछली में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। आंखों को हेल्दी रखने के लिए आप मछली का सेवन कर सकते हैं। मछली में पाए जाने वाले गुण आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अगर आप हफ्ते में 1 से 2 बार मछली का सेवन करते हैं, तो आप और भी कई बीमारियों को मात दे सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपके लिए मछली का सेवन हानिकारक हो सकता है। प्रेगनेंसी में मछली का सेवन कम कर देना चाहिए, क्योंकि मछली का ज्यादा सेवन भ्रूण शिशुओं के विकास में बाधा बन सकता है। दूध पीने के बाद या दूध पीने से पहले मछली का सेवन कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मछली और दूध का सेवन करने से शरीर में सफेद दाग की समस्या हो सकती है। मछली खाने के शौकीन हैं तो एक बात का खास ख्याल रखें कि मछली खाने के बाद दूध का सेवन ना करें। अगर आप मछली खाने के बाद दूध का सेवन करते हैं, तो इससे पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। अधिक जानकारी के लिए आप किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।